one-day workshop on Dimasa handcrafts, traditional attire weaving and crafting traditional musical instruments. In a bid to preserve the rich culture and heritage of our community, the Dimasa Students Union, in association with Dibarai Mahila Samiti, organized one-day workshop on Dimasa handicrafts, traditional attire weaving and crafting traditional musical instruments at Cultural Institute Hall, Haflong, on Sunday. बच्चे लोग पढ़ाई के साथ साथ ये जो हम लोग ट्रेडिशनल जो है हम लोग का कपड़ा बनाना बुनना ये हम लोग भूलते जा रहा है क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के पीछे भागते भागते आज हम लोग का ट्रेडिशन में बहुत कम हो रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि आजकल का बच्चा भी हम लोग का ट्रेडिशनल दिमासा का रीच कितना है हम लोग का रीच एंड कल्चर जो है वो बचाए रखना भी है क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है तो हमने सोचा ठीक है वर्कशॉप फर्स्ट टाइम करके देखेंगे कि बच्चे लोग किस तरह से रिस्पॉन्स लेता है तो हम कोशिश करना था तो हम लोग इस आज का ये प्रोग्राम शुरू किया देर तो हुआ कल बारिश बहुत हुआ इसलिए थोड़ा देरी हुआ लेकिन शुरुआत तो हुआ हम लोग ये कोशिश है कि हम लोग का दिमासा जो कपड़ा जो बनाना है ये सिर्फ देखने में सिर्फ कपड़ा नहीं है इसमें हम लोग का बहुत से हिस्ट्री रिलेट करता है हमारे कल्चर्स के बारे में अलग अलग डिज़ाइन है जेंट्स और वुमेंस का हम लोग का सब कुछ अलग है तो ये सब जानना ज़रूरी है आजकल का बच्चा लोग बनाने को नहीं जानता तो इसलिए वो लोग ये जेंट्स का डिज़ाइन जो है ये जेंट्स का है या वुमेंस का है ये सब नहीं जानता हम लोग बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हम लोग का कपड़ा जो है पहनने का तरीका अलग अलग होता है ये जानना ज़रूरी है इसलिए हम लोग ये कोशिश किया कैसे बनाया जाता है इसका कैसा पहना जाता है किस काम पर पहना जाता है ये सोचकर हम लोग आज का ये वर्कशॉप शुरू किया शुभ नाम क्या है मेरा टोबीना लॉन्ग मैन क्या है आप जनरल सेक्रेटरी हम लोग एस डी एम एस हम लोग रिंकू दामसा स्कूल भी चलाते हैं हम लोग 6-7 ईयर्स हुआ उसमें हर साल बच्चे 30 और 40 निकलते हैं हम लोग का डांस सीखते हैं तो ये डांस भी बहुत खोते जा रहा है तो इस साल से हम लोग जो बजाना है जो मुरी वाटी सखराम नाचने वाला तो ज़्यादा है फिर भी वो बजाने वाला आजकल बहुत कम हो रहा है आजकल का लड़के इसलिए हम लोग इस बार ये भी कोशिश किया है कि हर बच्चे को मुरी वाटिशा राम ये सब सीखने के लिए भी शुरू किया है तो देखते हैं आगे नेक्स्ट ईयर कितना बच्चा निकलता है तो हम लोग कोशिश है हम लोग का कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है दुनिया जैसा भी हो लेकिन अपने कल्चर अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए कोशिश करते हैं In this connection, an introductory session was also held with Jay Bhattari, renowned artist, as the chief guest. El Langthasa Srimati N. Longmailai, GS of Dibarai Mahila Samiti. In the workshop, bamboo craft, weaving of cloths with traditional design, traditional dressing of cloths, etc. Huge participation of enthusiasts were seen taking very interest in the workshop, which was considered to be a grand success.